नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के गया जिले के बुरहा नामक गाँव के, जो कि बागढ़ में ही है, पास में पड़ता है बुरहा नामक गांव, बुरहा धाम भी बोला जाता है, तो वहीं की आज बात करने वाले हैं, जहां पर एक विशालकाय शिव मंदिर है, लेकिन वहां पर शिव से ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। तो क्या वह बौद्ध स्तूप हुआ करता था, क्या वह बुद्ध विहार हुआ करता था, तो आज इसकी पोल खोलने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि कणकण में भगवान है, तो ये बात सत्य है कि कणकण में भगवान, भगवान शब्द जो है वह किसी के लिए प्रयोग ही नहीं हुआ है। यहाँ पर तथागत बुद्ध के लिए प्रयोग होने वाला शब्द रहा है, वो है भगवान। तो कणकण में भगवान का मतलब यही है कि कणकण में बुद्ध हैं। जहाँ पर देखिए वहाँ पर बुद्ध से रिलेटेड शिल्प निकलते हैं, बुद्ध से रिलेटेड कलाकृतियाँ निकलती हैं, बुद्ध की प्रतिमाएँ निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर पाखंडवादी ब्राह्मणवादी लोग पहुँच करके उसको हड़पने का काम करते हैं और ये बताते हैं कि ये किसी बुद्ध की बातें नहीं हो रही हैं, बुद्ध की प्रतिमाएँ नहीं हैं, बुद्ध के शिल्पकलाएँ नहीं हैं, ये हमारे ईश्वरवादी ग्रंथों में जो दिया हुआ है उन लोगों की शिल्प कलाएं हैं। और कहीं पर ये किसी देवता का नाम बताते हैं, कहीं पर ये किसी देवता का नाम बताते हैं, कहीं पर किसी देवता का नाम बताते हैं और उस प्रकार से हमारे देश को भरमाने का काम करते हैं, यहाँ के भोले भाली जनता को भरमाते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ की भोली भाली जनता इस प्रकार से भटकी हुई है कि उनकी बातों पर ध्यान तक नहीं देती और उनसे आस लगाकर बैठ जाती है कि ये जो देवी हैं, ये देवता है, ये उनका भला करेगा, इसके लिए यहाँ पर बैठे हुए ब्राह्मणों को दान देना बहुत ही आवश्यक है, उससे हमारा भला हो जाएगा। लेकिन यह सच नहीं है, यह सरासर कोरा झूठ है जो कि यहाँ पर इन ब्राह्मणवादियों के द्वारा फैलाया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने पहले ही बताया, बात करने वाला हूँ और लेकर के चलने वाला हूँ हमारे गया जिले के दुब्बागढ़ के समीप बुरहा नामक गांव में या बुरहा धाम में। वहां पर देखिएगा कि किस प्रकार से बहुत सी मूर्तियां तथागत बुद्ध की विखंडित हैं, बहुत ही बुद्ध की मूर्तियां नीचे दफना दी गई हैं और बहुत ही बुद्ध मूर्तियों को शिव के समीप रखा गया है, जो कि वो मंदिर जो है अभी का बना हुआ मंदिर है, उस मंदिर में अभी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत पुरानी हैं और आज भी उस मंदिर में वो अवशेष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि ये तथागत बुद्ध हैं। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, उससे बात करने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, जिससे हमारा काम और भी अच्छे से हो सके, तो स्क्रीन पर दिया हुआ QR कोड स्कैन कर सकते हैं, आप कोई भी सहयोग राशि दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, जिससे हमारा काम और भी अच्छे से चल सके और जानकारियाँ अच्छी अच्छी आपके समीप ला सकें। बात ये रहती है, अगर हमारे पास आर्थिक सहयोग सही से होगा तो हम और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको ला करके दे सकेंगे। दोस्तों, ये जो गढ़ है ये गया जिले में दुब्बा नामक गढ़ है और उसी गढ़ के समीप एक बुरहा नामक गाँव है और उसी बुरहा नामक गाँव में एक छोटा सा धाम है, बुरहा धाम बोला जाता है, जहाँ पर ये बताया जाता है इन पाखंडियों के द्वारा कि इस जगह का नाम जो था वो दुर्वासा ऋषि के नाम पर था, इसीलिए पासा बोला जाता था, लेकिन अब वो दुर्वासा से दुब्बा हो गया, फिर दुब्बा से दुब्बागढ़ हो गया, लेकिन दुब्बागढ़ अब दूर हो गया है और उसी दुब्बागढ़ के समीप में ये जो है बुरहा नामक धाम है और इस बुरहा नामक धाम में एक बहुत ही विशालकाय शिव मंदिर है। तो आइए उस मंदिर से पहले हम कुछ मूर्तियों का अवलोकन कर लेते हैं, जिसकी जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद में बात करते हैं। आप ये सामने देख रहे हैं मूर्ति, ये पीपल के वृक्ष के नीचे ये बहुत ही विशाल का ये मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। इस पर ये लपेटा हुआ पीला कपड़ा देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा है और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात ये है
इन ब्राह्मणवादियों ने इस मूर्ति का सर काटने की भी कोशिश की है, और एक बार नहीं दो तीन बार सर काटने की कोशिश की, और इस प्रतिमा के सर को खेतों में भी फेंकवा दिया। लेकिन फिर भी गांव वाले लोग जाते थे, ढूंढ के लाते थे और फिर इस पे चिपका देते थे। दो साल बाद फिर यही कांड हुआ, इस मूर्ति को तोड़ दिया गया और इस मूर्ति के सर को फेंकवा दिया गया। आप सोच सकते हैं मूर्ति के सर को फेंकवाने का कारण क्या है। मूर्ति के सर को फेंकवाने का कारण यही है कि ये मूर्ति पहचान में ना आए। लोग यही समझते हैं कि सर से पहचान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध की प्रतिमाएं ऐसी प्रतिमाएं हैं जो सर से पहचान में नहीं आती हैं। ऊपर से नीचे तक बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, बुद्ध के अवशेष हैं। और ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है कि बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ के लोग वो समझ नहीं पाए और उन टूटी मूर्तियों को देवी देवता बना दिया गया। दोस्तों, ये प्रतिमा का ये इतिहास है। खैर कोई नहीं, इस जगह पर इस प्रकार से बहुत सी हजारों संख्या में लोग आते हैं, आकर के पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर शिव से रिलेटेड अवशेष जो हैं वो बाद में डाले गए हैं। ये देख सकते हैं शिव के पास में रखी हुई ये मूर्तियाँ, जहाँ पर दूर से दिख रहा है ये जो मूर्तियाँ बाद में रखी हैं, काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये बाद में डाली गई हैं। लेकिन उससे पहले की मूर्तियाँ पूरी तरीके से मंदिर के अवशेषों में दबी हुई हैं, जिनको उसमें जकड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं ये अवशेष जो सामने दिख रहे हैं, ये तथागत बुद्ध से रिलेटेड पूरे के पूरे अवशेष हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर भी जब घुसते हैं तो किस प्रकार से मंदिर के पास में ये दिख रही मूर्तियां हैं, ये तथागत बुद्ध के अवशेष हैं। कहते हैं ना कड़कड़ में बुद्ध हैं, तो यहाँ कड़कड़ में सच में बुद्ध हैं। कड़कड़ में पूरी तरीके से बुद्ध ही बुद्ध दिखाई दे रहे हैं। बस सोचना हमको है, विचार करना हमको है कि किस प्रकार से बुद्ध की प्रतिमाओं को एक काल्पनिक देवी देवता बनाकर के पूजा जा रहा है, और यहाँ के वंशज जो हैं वो समझ ही नहीं पाते, यहाँ के जो श्रमण संस्कृति के लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते, वो खुद को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हम यहाँ के मूल निवासी एक नहीं होंगे, ऐसे ही हमारे देश में कांड होते रहेंगे और यहाँ की संस्कृति को हड़प लिया जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए थोड़ा और अंदर घुसते हैं। अंदर जब जाते हैं, देखते हैं दरवाजे के पास से ही पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि बुद्ध की प्रतिमाओं को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दीवार में जकड़ दिया गया है बुद्ध की अवशेषों को, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। और आगे जाते हैं तो मंदिर के अंदर भी देखिए, ये एक बुद्ध की बहुत अच्छी प्रतिमा है, और बुद्ध की प्रतिमा के सामने जो दिया हुआ है वो एक शिवलिंग बनाया है, जो कि शिवलिंग दूर से दिख रहा है, ये बाद में बनाया हुआ शिवलिंग है। लेकिन ये समझने की बातें हैं, विचार करने की बातें हैं कि बुद्ध की प्रतिमा को नीचे दबा दिया गया है कई फीट नीचे, और उसके ऊपर ये फर्श वगैरह करने के बाद में सर से ये मूर्ति को ऊपर रखा गया है, और उसके बाद में ये डेंटिंग पेंटिंग की गई है। सोच सकते हैं कि कितना गिर सकते हैं मनुवादी विचारधारा के लोग। पूरी कोशिश करते हैं बुद्ध के अवशेषों को मिटाने की, लेकिन वो बुद्ध है ना, वो बुद्ध हैं, कभी न कभी तो बाहर आ ही जाते हैं। यहाँ पर ब्राह्मणवादियों ने पूरी तरीके से कोशिश करी बुद्ध को नीचे दबाने की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बुद्ध को नीचे दबाया जा सके, क्योंकि बुद्ध को दबाना सच को दबाना है, और सच कभी दबाया नहीं जाता है। समझिएगा, विचार करिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे समाज को भरमाने का काम किया है, समाज को लूटने का काम किया है हमारे, लेकिन हमारे समाज के लोग ये समझ नहीं पाते हैं। खैर, हमें आपको बस इतना ही समझाना था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर मोबाइल में ये वीडियो होना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति हमें वापस मिल सके। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते। हम यहाँ के मूल निवासियों को उनकी समर्थ संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं, और कुछ चतुर चालाक लोगों की असलियत सामने लाना चाहते हैं। आप समझिएगा, विचार करिएगा, वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा, और ये विचार जरूर करिएगा हमारी संस्कृति वापस कैसे आएगी। दोस्तों, ऐसी जगहों पर हमेशा से ही देखा जाता है कि यहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा। वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।